हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आए हैं दरभंगा स्टेशन, दरभंगा जंक्शन से ये लाइव तस्वीरें, ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों हम इसलिए आए हैं आज दरभंगा स्टेशन क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पूरे बिहार नहीं पूरे इंडिया में कोरोना वायरस को लेकर के जो लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसको लेकर के सभी ट्रेनें बंद कर दी गई थी, चाहे वो लोकल हो, पैसेंजर हो, एक्सप्रेस हो, मेल हो, सभी ट्रेनें हर पूरे इंडिया के लिए बंद कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अभी कुछ ट्रेनें जो है वो चालू की गई है, जो स्पेशल के तौर पे चलाया जा रहा है। जैसे कि अगर दरभंगा का जो है सबसे अभी नंबर एक पे है बिहार संपर्क क्रांति जो ट्रेन है जो दिल्ली के लिए है, तो जैसे कि बिहार संपर्क क्रांति है उसका नाम, तो बिहार संपर्क क्रांति स्पेशल करके चलाया जाता है। अगर मुंबई के लिए ट्रेन कहिएगा तो मुंबई के लिए जो पवन एक्सप्रेस है, जो पवन एक्सप्रेस का अब नाम जो है वो पवन एक्सप्रेस स्पेशल के नाम से चल रहा है, जो कि COVID-19 स्पेशल के नाम से चल रहा है। अभी आपको बता दें हम ये देखने आए हैं कि दरभंगा स्टेशन से कौन कौन सी ट्रेन चलती है, और आपको बता दें कि दरभंगा स्टेशन से जो ट्रेनें चल रही है उसकी हम पूरी डिटेल्स आपको देंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो में हम आपको दरभंगा स्टेशन की पूरी जानकारी देंगे अभी फ़िलहाल जो चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि जो दरभंगा से जो ट्रेनें चल रही है वो अभी बिहार संपर्क क्रांति वो वाया सीतामढ़ी होकर के चल रही है, दरभंगा समस्तीपुर के बीच अभी नहीं चल रही है। पहले जो ये जो बिहार संपर्क क्रांति था वो समस्तीपुर होकर जाती थी, लेकिन आपको बता दें जो बिहार में बाढ़ भी आया हुआ है, जो बाढ़ आने के कारण जो हायाघाट में जो पुल है, पुल संख्या 16, उस पर बाढ़ का पानी आने के कारण जो है दरभंगा समस्तीपुर वाला रूट को बंद कर दिया है, और बिहार संपर्क क्रांति जो है वो आपको सीतामढ़ी होते हुए जो कि नई दिल्ली को जाती है। और बाकी जो ट्रेनें हैं दोस्तों पवन एक्सप्रेस COVID-19 स्पेशल, वो भी आपको समस्तीपुर से ही डिपार्चर होती है, समस्तीपुर से ही खुलती है। और सरयू यमुना करके एक ट्रेन है जो कि अमृतसर की तरफ जाती है, वो भी ट्रेन आपको समस्तीपुर से ही खुलती है, वहीं से डिपार्चर होती है। और भी दोस्तों आपको बता दें, ये देखिए ये जो यहाँ पे लिफ्ट का जो फुट लिफ्ट का जो है काम चल रहा है दरभंगा स्टेशन पे जो है, और ये देश की शान तिरंगा झंडा लहरा रहा है, और आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा है। चूँकि अभी जो है हवा चल रही है, हवा चलने के कारण जो प्यारा खूबसूरत तिरंगा झंडा वो हवा में लहरा रहा है, तो सोचा इसको भी थोड़ा कैप्चर कर लूँ अपने मोबाइल में और आपके साथ शेयर करूँ ये प्यारा खूबसूरत अपना देश का शान तिरंगा झंडा। एक लाइक तो बनता है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार दरभंगा की खबरों को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और जैसा कि दोस्तों आप प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो पैसेंजर ट्रेन है वो भी अभी नहीं चल रही है, पैसेंजर ट्रेन भी बंद है, पूरी तरह से बंद है। और ये मालगाड़ी अभी दरभंगा स्टेशन से खुली है और ये दरभंगा स्टेशन से जा रही है मालगाड़ी, तो थोड़ा सा आपको मालगाड़ी का भी आपको व्यू दिखा देते हैं। जबकि देख सकते आप एक दो ही व्यक्ति नज़र आ रहा है, वो भी शायद स्टेशन के ही स्टाफ होंगे। और आपको बता दें कि दोस्तों अभी कोई भी यात्री सफ़र नहीं करते हैं, बहुत कम मतलब लोग सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, जो कि दिल्ली बॉम्बे के जो लोग हैं वही आना जाना करते हैं। और ये देखिए अभी बिल्कुल खाली है, चारों तरफ का व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि दरभंगा स्टेशन एक समय में खचाखच यात्रियों से भरा रहता था, लेकिन अब जो है दोस्तों बहुत कम लोग अभी जो है ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से। तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।